सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हम रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं और आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 197 को पढ़ेंगे, 197 को, ठीक है। हिंदी के निबंधों को संस्कृत में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, तो आज हमारे सामने एक निबंध है, निबंध अर्थात एक छोटी सी घटना जीवन है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को बहुत सभी लोग जानते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु विदेशों में भी लोग जानते हैं, ठीक है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस युग में वेदों का उद्धार किया था, लोग भूल गए थे और लोगों ने ऐसी अफवाहें फैला दी थी कि वेदों को तो भस्मासुर ले गए हैं, और कुछ लोग ऐसे कहने लग गए थे विदेशी कि वेद तो गडरियों के गीत हैं। तो महर्षि दयानंद ने इस युग में वेदों की स्थापना पुनः की, ठीक है। ऐसे महापुरुष थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। चलिएगा, महर्षि दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकारा नगर में हुआ था। इनके पिता श्री करसन जी तिवारी शिव भक्त ब्राह्मण थे। अपने चाचा और बहन की मृत्यु को देखकर इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये सत्यम शिवम को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। इन्होंने वेदोक्त परंपरा की प्रतिष्ठा के लिए आर्य समाज की स्थापना की। वेदों का भाष्य करके वेदों की का महत्व प्रदर्शित किया। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए, जैसे अस्पृश्यों का उद्धार, स्त्री शिक्षा का प्रचार, गोशाला और अनाथालयों की स्थापना, गो रक्षा आदि कार्य, ठीक है। ये पूर्ण ब्रह्मचारी, त्यागी, तपस्वी, देशभक्त, समाज सुधारक, वेदों के अद्वितीय विद्वान, असाधारण वक्ता और निर्भीक सन्यासी थे। बहुत सुंदर बात, थोड़े से ही संक्षिप्त शब्दों में डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को चित्रित कर दिया। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का पूरा आपको जीवन पढ़ना है, पूरा जीवन पढ़ना है, तो इसके लिए आपको मैं एक पुस्तक सजेस्ट करता हूं कि आप इसको पढ़िए। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बहुत मोटी पुस्तक है, महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र इसमें है, बहुत मोटी पुस्तक है, इसमें पूरा जीवन है उनका। इसमें पेज में आपको बता देता हूं, इसके अंदर पेज हैं 1000 पेज हैं, इतने 1000 पेज हैं। इसमें महर्षि दयानंद जी के बारे में उनके जीवन की घटनाओं का वृत्त, कहां कहां गए, कितने कितने दिन रहे, क्या क्या कार्य किया, कैसे कैसे गुरुओं के पास में रह करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उनके घर के सारे परिवार के सारे वृत्तांत इसके अंदर आप जान सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए, आज एक महापुरुष के विषय में चर्चा चल रही है,
उनके बारे में बताने की एक बेला उपस्थित हुई है, अवसर उपस्थित हुआ है। तो तदर्थ में आपको बता रहा हूँ, कोई भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में जानने चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप आराम से पढ़ करके जान सकते हैं। अब ये पुस्तक आपको कहाँ मिलेगी, इस पुस्तक को भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं पुस्तक बेचता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग अपने मन में गलत विचार बनाते रहते हैं, परंतु नहीं, मैं अच्छी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उनको मैं प्रयोग करता हूँ, ठीक है। इस पुस्तक को आप इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप आराम से मंगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको यहाँ कठिनाई होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है 9582104261, इस पर संपर्क कीजिएगा और यहाँ से हम आपको बता देंगे कैसे प्राप्त हो सकती है, ठीक। चलिएगा, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात चल पड़ी है, तो अब आइएगा इसको हम संस्कृत में ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं, आइएगा। और यहाँ वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। चलिएगा, आ जाइएगा, आप देखिएगा इसको कैसे हमने बदला है, ठीक है। महर्षि दयानंदाः, महर्षि दयानंदस्य जन्म चतुर्विंशत्यधिक अष्टादश शताब्द्याम ईस्व्याम, ठीक है। इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, चतुर्विंशत्यधिक अष्टादश शताब्द्याम ईस्व्याम, ठीक है, गुजरात प्रांतस्य, ये मात्र का गुजरात प्रांतस्य टंकारा नगरे भवत्। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकारा नगर में अभवत माने हुआ था। अस्य पिता श्री करसन तिवारी महोदयः शिवभक्त ब्राह्मणा आसीत्। अस्मने महर्षि दयानंद जी के पिता जी श्री करसन तिवारी महोदय शिवभक्त ब्राह्मण थे, अर्थात ये वास्तव में जन्मजात जो ब्राह्मण हैं उनके परिवार में उनका जन्म हुआ था। चलिएगा, आगे है आपका, स्वापितृव्य भगिन्योर मृत्युं दृष्ट्वा अस्य हृदये वैराग्य मुदभवत्। अपने चाचा और भगिनी बहन की मृत्यु को देख करके इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। एषा सत्यम शिवम अन्वेष्टुम गृहात निरगच्छत्। माने इनो ये सत्यम शिवम, माने शिव सत्य है, उसको ढूंढने के लिए, सत्य शिव को ढूंढने के लिए घर से निकल गए। निरगच्छत माने निकल गए। एषा वेदोक्त परंपरायाः प्रतिष्ठायै आर्य समाजम अस्थापयत्। इन्होंने वेदोक्त परंपरा की प्रतिष्ठा के लिए, स्थापना के लिए आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज को स्थापित किया। जो आर्य समाज नाम की संस्था है उसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। वेदाभाष्यम कृत्वा वेदानाम महत्वम प्रादर्शयत्। वेदों का भाष्य करके वेदों की महत्ता को प्रादर्शित माने बत दिखाया।
एषा समाज संशोधनस्य अनेकानि कार्याणि अकरोत्। इन्होंने समाज सुधार के, संशोधन माने सुधार के अनेक कार्यों को किया। यथा जैसे अस्पृश्यानाम उद्धारः, स्त्री शिक्षा प्रचारः, गोशालानाम अनाथालयानाम च स्थापना, गोरक्षा इत्यादीनि कार्याणि। इन्होंने समाज जैसे माने इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए, जैसे अस्पृश्यों का उद्धार माने जो अछूत का, कुछ लोगों को अछूत बना दिया था उनको, वो परंपरा जो गलत परंपरा थी उसको नष्ट किया। स्त्री शिक्षा का प्रचार किया, गोशालाओं का, अनाथालयों का स्थापना की, अनाथालयों की गोरक्षा और गोरक्षा इत्यादि इन्होंने कार्य बहुत सारे किए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। एषा आजीवन ब्रह्मचारी, त्यागी, तपस्वी, देशभक्तः, समाज संशोधकः, वेदानाम अद्वितीयो विद्वान, असाधारण वक्ता, निर्भीकः, ये रा लगेगा, निर्भीकः सन्यासी चासीत। ये आजीवन ब्रह्मचारी माने पूर्ण ब्रह्मचारी, त्यागी, तपस्वी, देशभक्त, समाज संशोधक और वेदों के अद्वितीय विद्वान, असाधारण वक्ता, विशेष वक्ता और निर्भीक सन्यासी थे। डरते नहीं थे जी भाई, कोई भी आ जाओ, सत्य का प्रचार प्रसार करते थे। इनकी विशेषता थी लोभ लालच नहीं, कोई आश्रम मठ की चिंता नहीं है, सत्य को कहने में कहीं भी नहीं डरते थे, चाहे कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली। ऐसा ही वास्तव में मनुष्य होना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन से हमको भी शिक्षा लेनी चाहिए, उनको कोटि कोटि नमन करना चाहिए कि उन्होंने हम सभी लोगों के समक्ष एक श्रेष्ठ जीवन प्रस्तुत किया, एक आदर्श जीवन प्रस्तुत किया। ये मैंने आपको संस्कृत इसकी बना दी है, अब आप इसकी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, आगे का निबंध है हमारा महात्मा गांधी, ठीक है, बहुत सुंदर। महात्मा गांधी ये भी गुजरात के ही थे, गुजरात की भूमि में बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं, ठीक है। चलिएगा, और मित्रों आपसे निवेदन किया जाता है कि इस महान आंदोलन को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए हमको प्रति माह, ध्यान दीजिए, प्रति माह 35,000 से 40,000-45,000 रुपए व्यय करने होते हैं। सारी व्यवस्था, सभी लोगों की व्यवस्था करने के लिए आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप इस अभियान में मासिक सदस्य बने, मासिक सदस्य बने, प्रति माह आप अपना योगदान देते रहें, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के निमित्त ही देते रहें। आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो भी आप, संस्कृत भाषा का प्रचार हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन से भी अच्छी प्रकार से, मगर तो इस व्यवस्था को चलाने के लिए अबाध रूप से मित्रों, और इस व्यवस्था का हम विस्तार कर सके तदर्थ आप हमें सहयोग करते रहिएगा स्वेच्छा पूर्वक। आप हमें 101 रुपए प्रतिमा दीजिएगा, 501 रुपए दीजिएगा, 1100 रुपए दीजिएगा, 2100 रुपए दीजिएगा, 5100 रुपए दीजिएगा, 3100 रुपए दीजिएगा। मित्रों जैसा भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है वैसी आप भी संस्कृत के प्रचार प्रसार में सामर्थ्य का सहयोग दीजिएगा, ठीक है। सहयोग आपको इस अकाउंट में देना है, इस अकाउंट के द्वारा ये इसकी व्यवस्था की जाती है, इसके कार्यों का संचालन करने के लिए, ठीक है। ये अकाउंट नंबर दिया है आप यहाँ इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के, और आप व्हाट्सएप पर भी हमसे ले सकते हैं, और वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप नंबर, ये सब यही नंबर है 9582104260 पर। तो प्रति माह मित्रों हमें आप सहयोग देते रहिएगा, कुछ लोग प्रतिदिन भी सहयोग दे सकते हैं मित्रों,
ठीक है, आपके द्वारा दिया गया सहयोग पूर्णतया 100% संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ही प्रयोग किया जाता है, अन्यत्र बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, इस बात का विश्वास मैं आपको देता हूं। मैं आपका शिक्षक हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं। चलिएगा मित्रों, और 1 करोड़ लोगों को प्रथम चरण में निशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाने के लिए आपसे बार बार निवेदन करते रहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को जोड़िएगा, चैनल से जोड़िएगा। इस पर मैंने इतनी सामग्री तैयार करके रख दी है और भविष्य में इतनी सामग्री तैयार करनी है, इतनी तैयार करनी है कि संस्कृत का अद्भुत महान विशाल भंडार आप सभी के लिए यहाँ चैनल पर उपलब्ध हो जाए। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। निरंतर लोगों को जोड़ते रहिएगा, अपने आसपास के लोगों को संस्कृत सिखाने के लिए प्रेरित करते रहिए। सर्वेभ्यो नमः।